हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपना आधार कार्ड मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल आइकन पर टैप करके ऑल पर कर लो ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो टाइप बॉक्स में आपको टाइप करना है UIDAI। उसके बाद आपको सबसे जो ऊपर लिंक दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा डाउनलोड आधार, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी। तो जैसा कि आपके पास जो है, जैसे कि मेरे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर टाइप करता हूँ। जैसा कि मैं देखिए यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर चुका हूँ और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मेरे में OTP आ गया है, मैं टाइप करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर देना होगा और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मेरा आधार डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस, देखिए मेरा डाउनलोड हो गया था। यहाँ पे दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। सो गाइस, देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, इसका पासवर्ड अपने नाम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर होंगे और डेट ऑफ बर्थ के जो ईयर का सन होता है वो होगा 4, जैसा कि मैं डालता हूँ। सो गाइस, देखिए जैसा कि मेरा आधार कार्ड मोबाइल में आ चुका है, ये देखिए। तो ऐसा ही आपका आधार कार्ड डाउनलोड होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।